सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने जा रहा हूँ। एक तरह से काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे कि जो बिग बिलियन डेज स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, पहला तो ये पॉइंट। दूसरी बात, जो सेल प्राइस लाइव हुई है वो एक्चुअल में सेल प्राइस लाइव हुई है, मतलब जो सेल प्राइस जो 13 सितंबर फ्लिपकार्ट जो है वो डे क्या नाम है प्राइस रिवील कर रहा है वन बाई वन ब्रांड का। जैसे आज है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पोको का, उसने प्राइस रिवील की है, ठीक है। तो कल आईफोन की रिवील होगी, तो क्या ये सेल प्राइस लाइव हो गई है, तो क्या आपको अभी फ़ोन ख़रीदना चाहिए कि जो बिग बिलियन डेज जो कमिंग सून आने वाला है उस पर ख़रीदना चाहिए, है ना। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न था, मैं खुद कन्फ्यूज़ था कि यार कि समझ में नहीं आ रहा कि सेल प्राइस लाइव भी हुई है और लोग बिग बिलियन डेज कमिंग सून भी दिखा रहा है, तो बिग बिलियन डेज भी आ रहा है और प्लस सेल प्राइस लाइव भी हो गई है, मतलब बंदे खरीदे कैसे, कब खरीदे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि बिग बिलियन डेज जो है वो आ गई है 23 सितंबर, और अमेज़ॉन जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है वो भी है 23 सितंबर, ठीक है। तो दोनों की जो मतलब सेल है वो एक्चुअल सेल है वो है 23 सितंबर, ठीक है। दूसरी बात, जो सेल प्राइस लाइव हुई है भाई, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए लाइव हुई है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लाइव हुई है कि लोग आएँ, मतलब फ्लिपकार्ट का पेज खोलें, नेट चलाएँ और उस पर देखें कौन कौन से फ़ोन किस तरह किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ सेल प्राइस जो लाइव हुई है वो एक्चुअल में लाइव नहीं हुई है, मैं आपको बताऊँ पोको की तरफ से, वो है पोको X4 Pro 5G। जो सेल प्राइस अगर आप देखोगे रिवील हो गई है आज के दिन, वो है 13,999, ठीक है, मतलब 14,000 रुपये, 13,999, मतलब 14,000 रुपये, ठीक है। और एक्चुअल जो प्राइस आप क्लिक करके देखोगे ना उस पर, तो आपका दिखाएगा 16,499। तो एक्चुअल में प्राइस सिर्फ शो हो रहा है, एक्चुअल में आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, मतलब आप खरीद नहीं सकते हो, सिर्फ आपको शो हो रहा है कि इतने का लॉन्च होगा। और जब एक्चुअल में बिग बिलियन डेज लॉन्च होगा 23 सितंबर को, तभी आप खरीद पाओगे, ठीक है। कुछ फ़ोन्स है जो आप खरीद सकते हो, मतलब जो 10 से 15 हज़ार के रेंज में, कोई फ़ोन जिसपे आपके क्या नाम है ICIC बैंक कार्ड, सारे बैंक कार्ड जो बिग बिलियन डेज में जो लगते हैं वो सारे ऑफर्स लग रहे हैं, वो आप खरीद सकते हो। लेकिन बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो आप नहीं खरीद सकते, जैसे बहुत फेमस ब्रांड्स, जैसे आईफोन हो गए, आईफोन जैसे आज 30 सितंबर है, 14 सितंबर को आपका आईफोन का रिवील होगा, ठीक है, प्राइस। तो आईफोन की आप मतलब सिर्फ सेल प्राइस देख सकते हो लेकिन खरीद नहीं सकते, खरीदोगे तब जब आप 23 सितंबर में आप मतलब जब आपका सेल लाइव होगी 23 सितंबर, जो बिग बिलियन डेज निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका है नथिंग फ़ोन 1, जो बहुत ही फेमस फ़ोन है, बहुत ही ज़्यादा लोग पागल है, दीवाने हैं उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए, उसका जो सेल प्राइस लाइव हो गई है दिखा रहा है 28,999, मतलब 29,000 रुपये, ठीक है, 29,000। और जब आप क्लिक करके आप देखोगे तो एक्चुअल प्राइस उसमें दिखा रहा है 33,999, मतलब 34,000, और उसमें कोई भी ऑफर अभी नहीं लग रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए है कि लॉन्च जब 23 सितंबर को जब बिग बिलियन डेज लाइव होगी सेल, तब आप खरीद सकते हो 29,000 में, ठीक है, अभी आप नहीं खरीद सकते हो। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि भाई यार बिग बिलियन डेज निकल रहा है 23 सितंबर को और सेल प्राइस अभी से लाइव हो रही है, तो मतलब जो अर्ली एक्सेस जो लिए हुए हैं एक दिन पहले का, वो मतलब उनका वो बेवकूफ़ है, मतलब उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है लेने का। जो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप जो लिए हुए हैं एक दिन पहले लाइव हो जाती है। अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप लिए हुए हो तो 23 सितंबर को आपका बाकी जो नॉर्मल पीपल के लिए लाइव होगा सेल बिग बिलियन डेज, और अगर आपने मतलब प्लस मेंबरशिप हो तो आपका एक दिन पहले ही आप कोई चीज़ खरीद सकते हो। जैसे आपने प्लस मेंबरशिप लिया है तो आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी 22 सितंबर, 23 सितंबर को छोड़ के 22 सितंबर को आप लाइव कर सकते हो, सेल खरीद सकते हो, कोई भी चीज़ उनसे पहले खरीद सकते हो। तो प्लस मेंबरशिप लेना जरूरी, बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी पॉइंट्स आप यूज़ करके प्लस मेंबरशिप आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत ज़्यादा मोबाइल फेमस हो रहा है जो कि है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 6a, उसकी जो क्या नाम है, आप वो सोच लोगे तो आपके होश आवाज गायब हो जाएंगे। उसकी जो सेल प्राइस दिखा रहा है लाइव जो दिखा रहा है वो है 27,699, ठीक है। और जब आप क्लिक करके देखोगे एक्चुअल प्राइस देखोगे तो वो दिखा रहा है 43,999, तो मतलब वो भी सिर्फ सेल प्राइस से अट्रैक्ट करने के लिए है और कोई भी चीज़ अभी लाइव नहीं है। तो घबराओ मत, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार भाई मतलब सेल प्राइस लाइव का मतलब क्या है। मैंने भी खूब सर्च किया तो बहुत लोग सर्च भी कर रहे थे सब चीज़ें, तो मैंने सोचा कि ये आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल प्राइस लाइव हो रही है और एक्चुअल में आप मज़ा ले सकते हो 23 सितंबर बिग बिलियन डेज जब लाइव है। और ये आगे पीछे डेट भी हो सकती है क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से थोड़ा होता रहता है, अपने में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो वो ये लोग
क्या नाम है डेट आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे पिछली बार 2 अक्टूबर को सेल लाइव हुई थी, पहले 7 अक्टूबर सेल लाइव कर रहे थे, उसके बाद फिर बिग बिलियन डेज 2 अक्टूबर को कर दिया, मतलब 5 दिन पहले इन्होंने मतलब वो बिग बिलियन डेज निकाल दिया। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे मैं और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।